मुझे मत ठोक दियो। तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी जस्ट सुबह उठ चुके, नहाना धोना भी हो चुका है, सो अभी चप्पल पहनेंगे पहले। सो जो हमारी ऑल्टो है ना, ऑल्टो कार, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर दी है ना। तो गाइस अभी गिट्टी भी आ चुकी है, जो बाजू में प्लॉट का काम शुरू है ना, उसको भी गिट्टी आ चुकी है। तो गाइस अभी हो चुके हैं रेडी, दुकान से आए थे। सो अभी पप्पा जी की जो बुआ है ना, उस दिन हम हमारे बुआ के इधर गए थे। सो अभी पप्पा के बुआ के इधर जाना है, क्योंकि बाद में बताऊंगा। सभी ने अच्छे कपड़े पहने, पर मैंने बरमुडा और टी शर्ट सा दी अपनी, क्योंकि घर में ही इतनी ज़्यादा। मेरे भाई ने भी सादे कपड़े पहने, सो क्योंकि घर में ही इतनी ज़्यादा कि नए कपड़े पहनने की इच्छा नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा गर्म लगता है। फिर हमने कार भी रख दी है छाव में, धूप ही बहुत ज़्यादा है। तो गाइस यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा है, और भाई पता नहीं भाई बेटा जाना गाड़ी लगा। तो गाइस पहले हम डिक्की से सामान निकाल लेते हैं। काम कर रहे पापा भी जयेश भैया को गाली दे हैं, क्योंकि जयेश भैया हम सामान निकाल रहे थे, तो उसने गाड़ी सामने दे ली। सामने लेके जा, जगह का सामान नहीं चल लेके जा। तो गाइस आने दे, मुझे मत ठोक दियो। तो गाइस अभी जयेश दादा ने भी गाड़ी लगा दी है, अभी हम चले जाते हैं। सो गाइस अभी गाड़ी भी पार्क कर दी है, सो अभी निकलते हैं, गाड़ी को पहले लॉक कर देंगे। ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है ना, इसलिए प्रॉब्लम है, हाथ से करना पड़ता है सब कुछ। सो अभी निकलते हैं, ऐसे भी सभी यही जगह इधर ही जाना है हमको। मुझे तो मार रहा था बहुत ज़्यादा बोर, चूँकि किसी कोई भी मेहमान के इधर जाऊँगा तो मुझे बोर ही मारता है। सभी कुछ नहीं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है बाहर, अंदर ठंडा था। सभी कार को पलटा के रख देते हैं, क्योंकि बाद में पलटेंगे तो टाइम हो जाएगा ना, सभी पहले कार को पलटा के रख देते हैं। सभी कार भी रख दी यहाँ पे, सभी अंदर जाएंगे पहले।